हेलो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन द टाइगर किंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबिंदापुरम उस दिन के बाद से प्रतिबिंदापुरम में रहने वाले सारे टाइगर के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन हो गया द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनी एक्सेप्ट द महाराजा क्योंकि जो राज्य था उस राज्य में टाइगर के हंटिंग को बैन कर दिया गया था केवल उनके हंटिंग महाराजा ही कर सकते थे अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिसिकेटेड तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्रोक्लेमेशन दैट मीन एक डिक्लेरेशन जारी की गई महाराजा की तरफ से अगर किसी ने एक स्टोन भी टाइगर पे थ्रो किया फ्लिंग दैट मीन्स थ्रो किया ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ को सील कर दिया जाएगा कॉन्फिस्केटेड दैट मीन्स सील कर देना द महाराजा ओड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द हंड्रेड टाइगर महाराजा ने ये ओथ ले लिया कि वो कोई भी मैटर तभी देखेंगे जब वो हंड्रेड टाइगर को किल कर लेंगे इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज़ हिज एम्बिशन और इनिशियली वो बहुत ही सेट थे अपने एम्बिशन को लेके कि वो हंड्रेड टाइगर को किल करेंगे नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स ऐसा नहीं था कि वो डेंजर को फेस नहीं किए थे देर वर टाइम्स वन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क कभी कभी ऐसा होता था कि वो गोलियां चलाते थे लेकिन वो उस निशाने पर नहीं लगती थी द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स और कभी कभी टाइगर उनके ऊपर आ जाते थे लेफ्ट दैट मीन्स उनके ऊपर आ जाते थे और वो उस बीस्ट से लड़ा करते थे खाली हाथ ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन लेकिन हर समय वो महाराजा ही थे जो जीत जाते थे टाइगर से एट अनदर टाइम ही वॉज़ इन डेंजर ऑफ लूजिंग हीज थ्रोन एक बार उनका जो राज है वो भी छिनने से रह गया था हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधापुरम एक बार एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर उनके प्रतिबंधापुरम में आया था ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स और उसे टाइगर को हंट करना बहुत पसंद था एंड फाउंडर ऑफ बींग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था कि जिस टाइगर को उसने मारा है उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराना एज यूजल ही विज टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम और उसकी ये इच्छा थी कि वो प्रतिबंधापुरम के टाइगर को हंट करे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हीज रिजॉल्व लेकिन महाराजा जो है वो दृढ़ निश्चय किए हुए थे ही रिफ्यूज परमिशन और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट यू मे गो ऑन अ बोर हंट यू मे कंडक्ट अ माउस हंट वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल तो यहाँ महाराजा कहते हैं कि मैं आपके लिए दूसरे जानवर को मारने की व्यवस्था कर दे रहा हूँ यू मे गो ऑन अ बोर हंट आप एक पिग के हंट नहीं जा सकते हो यू मे कंडक्ट अ माउस हंट आप माउस के हंट पे निकल सकते हो वी आर रेडी फॉर अ मॉस्कीटो हंट और हम लोग मॉस्कीटो हंट पर भी आपको भेज सकते हैं बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल लेकिन टाइगर के हंटिंग ये इम्पॉसिबल है द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान एंड द दुराई हिमसेल्फ डि नाट हैल द टाइगर और जो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी थे उन्होंने लेटर लिखा महाराजा को दीवान के थ्रू दैट द दुराई दुराई जो ब्रिटिश में ब्रिटिश ऑफिसर के जो हैड थे उन्होंने ये लेटर लिखा था कि ही डिड नाट हैव टू किल द टाइगर कि वो खुद नई टाइगर को मारेंगे द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग महाराजा को ही उस टाइगर को मारना है यहाँ पे कहते हैं कि वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ दुराई के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो फोटोग्राफ चाहते हैं ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कि वो गन पकड़े हुए रहें और टाइगर के ऊपर खड़े रहें जो टाइगर का कारकेस है कारकेस दैट मीन्स डेड बॉडी ऑफ एनिमल को कहते हैं बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल बट महाराजा ने इस प्रपोजल को भी रिफ्यूज़ कर दिया इफ़ यू रिलेन्ेंटेड नाउ वॉट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्नड अप फॉर टाइगर हंट्स महाराजा को लगा कि अगर मैंने एक बार इन्हें परमिशन दे दी तो मैं बाकी के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको क्या कहूँगा बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर द महाराजा इज टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट्सल्फ क्योंकि मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो महाराजा हैं वो ब्रिटिश राज के अंदर काम क्या करते थे तो उस टाइम जो रूलिंग पावर थी जो रूलिंग बॉडी थी ऑल ओवर इंडिया में वो ब्रिटिशर्स की थी तो महाराजा ने इन्हें मना कर दिया हंटिंग के लिए तो अब इनके राज पर खतरा मंडराने लगा और ये इन्हें लगा कि मैंने तो ब्रिटिश को प्रिवेंट कर दिया किलिंग के लिए द तो महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट्स तो महाराजा को अपने अब किंगडम को बचाने का ख़तरा मंडराने लगा द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलीबरेशन ओवर द इशू और महाराजा और दीवान इस ईशू के ऊपर डिस्कस किए एज अ रिज़ल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैचड फोर्थ विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ़ ज्वेलर्स इन कैलकाटा तो एक रिजल्ट निकला जिसमें से एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ़ ज्वेलर्स इन कैलकाटा कैलकाटा में जो एक ज्वेलरी सॉप थे ब्रिटिश कंपनी के अधीन उसे सेंड किया गया सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू डिफरेंट डिजाइंस और उसमें लिखा गया कि सेंड करने के लिए सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइंस महाराजा ने जो ज्वेलरी शॉप को लेटर लिखा था ज्वेलरी के लिए तो ज्वेलरी शॉप वाले ने उन्हें ज्वेलरी भेज दी सम फिफ्टी रिंग्स अराइव्ड फिफ्टी रिंग्स महाराजा को प्राप्त हुए द महाराजा सेंड द होल लॉर्ड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी और महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को वो पूरा लॉट भिजवा दिया जिस ब्रिटिश ऑफिसर को उसने हंटिंग से मना किया था द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई टू चूज़ वन और टू रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक तो जो दुराई थी जो उनकी वाइफ थी ब्रिटिश ऑफिसर की उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे किंग और मिनिस्टर कि एक या दो रिंग चूज करके बाकी का लॉट उन्हें भेज देंगी विद इन नो टाइम एट ऑल द दरायसनी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट लेकिन कुछ ही समय में दराय सनी ने मीन्स ऑफिसर की वाइफ ने उन्हें मैसेज लिखा रिप्लाई किया थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट कि गिफ्ट करने के लिए थैंक यू इन टू डेज अ बिल फॉर थ्री लैक ऑफ रुपीज केम फ्राम द ब्रिटिश ज्वेलर्स और उस ब्रिटिश ज्वेलर्स ने उन्हें महाराजा को लेटर लिख के भेजा पूरा बिल का थ्री लाख रुपीस का बिल हुआ था द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस थ्री लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम बट महाराजा उस टाइम हैप्पी था कि भले उसका तीन लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन उसने अपने किंगडम को बचा लिया